हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक। यह है वीक 4 साइड क्वेस्ट का आ चुका है एंड जल्दी से जल्दी हम यहाँ पे चलते हैं और इसको 100% कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमें बॉस फाइट जो करनी है वो होने वाली है वॉल्वरिन वेपन एक्स के साथ में। यही टीम में लेके जाने वाला हूँ। लोकल नोड क्या होने वाले हैं, बॉस पे क्या नोड है, एंटर करके बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले बात पाथ जो लेने वाला हूँ वो स्ट्रॉन्ग वाला पाथ होने वाला है। इस पे लोकल नोड क्या होने वाले हैं वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। देखो, इसको एनर्जाइज बफ मिला होगा, मतलब हम दोनों की पावर बहुत जल्दी बनेगी और जब भी कोई भी पावर बार ऑफ पावर बनेगा हमारे को 8 सेकंड मिलेंगे। अगर 8 सेकंड में हमने स्पेशल नहीं छोड़ा तो हमें 50% डैमेज मिलेगा। और तीसरा वाला नोड क्या है कि जब भी सामने वाला स्पेशल छोड़ेगा उसके बाद 4 सेकंड तक उसको डीबफ इम्यूनिटी मिलेगी, मतलब अब 4 सेकंड तक उसको पैरी या कोई भी डीबफ नहीं लगा पाओगे। बॉस पे लोकल नोड क्या है, जब भी वो अटैक करेगा या हम अटैक करेंगे हमारे पास 20% चांस रहेगा कि हम पॉइजन लगा सके एक दूसरे पे। और जब भी डिफेंडर ब्लॉक करेगा वो हमारा कोई भी डिबफ को प्यूरीफाई करता चला जाएगा जब भी वो ब्लॉक करेगा। और अगर हम उसको कोई भी उसका अटैक को डॉज करते हैं या डेक्स करते हैं उसे फ्यूरी मिलता चला जाएगा। 7 फ्यूरी के बाद में वो अनब्लॉकेबल हो जाएगा 7 सेकेंड के लिए। और जब भी हम कोई भी डिबफ इसका प्यूरीफाई करेंगे हमें 40% डैमेज मिलेगा और जो बॉस है वो स्टन नहीं हो सकता, मतलब वो स्टन इम्यूनिटी है उसको। ओके, ये रही बात बॉस की। इसके लिए बेस्ट और बेस्ट काउंटर है निमरॉड। निमरॉड को ले आओ क्योंकि वो रीजनरेशन भी कंट्रोल कर पाएगा और शॉक भी डाल पाएंगे आराम से। स्पेशल 2 एक ही काम खत्म। अब बीच वाला पार्ट जो है डॉक्टर ऑक्टोपस वाला, यहाँ पे क्या है कि 30% एक्स्ट्रा डैमेज तब लेंगे वो जब क्रिटिकल डैमेज देंगे, मतलब हमें क्रिटिकल डैमेज चैंपियन यहाँ पे लाने हैं, जैसे शूरी हो गए, हरकुलिस हो गए, यहाँ पे वही चैंपियन लाने हैं। और रेड गॉब्लिन वाले पाथ में क्या है कि जब भी ये कोई डीबफ से इम्यून होंगे, अगर इनको इम्यूनिटी इनकी ट्रिगर की हमने तो 33% बार ऑफ पावर मिलेगा। और जब तक इन्हें नॉकआउट नहीं करेंगे तब तक इनको इम्यूनिटी मिलेगी, मतलब आप कोई भी डिबफ नहीं लगा सकते हो। नॉकआउट करने के बाद 6 सेकंड तक आपके पास टाइम रहेगा इसे वापस से हिट करना। अगर नहीं किया वापस से इसे इम्यूनिटी आ जाएगी। और अगर इसके ब्लॉक पर हिट किया या इसने ऑटो ब्लॉक किया तो ये अनस्टॉपेबल बन जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप हरकुलिस भी लाओगे ना, पूरा पाथ आप हरकुलिस से, पूरा क्वेस्ट आप हरकुलिस से कर सकते हो। बॉस के लिए बस आपको यहाँ पे निमरॉड लेके आना है। ये दो चैंपियंस यहाँ पे बेस्ट रहेंगे, लेकिन कोई नहीं, हम ट्राई करेंगे अलग अलग। मैं ट्राई करूंगा एक दो चैंपियन से। मैं चाहता हूँ कि कम से कम टाइम लगे यहाँ पे और आपका भी टाइम कम वेस्ट हो, मेरा टाइम भी कम यूज़ हो, आपका भी टाइम कम यूज़ हो और मेरा टाइम भी खुद का कम यूज़ हो। लेकिन एक दो चैंपियन हम ट्राई करेंगे ज़रूर। पहला देखो स्टॉर्म है ना, हमें क्या करना है, हमारा देखो दोनों का पावर ऑफ बार जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बनेगा। हमें स्पेशल 1 बहुत जल्दी जल्दी स्पैम करने हैं और अगर कोशिश रही तो स्पेशल 2 भी स्पैम कर दूंगा मैं। फिलहाल पहली फाइट जो है हमारे स्ट्रॉम के साथ है। हमेशा ध्यान रखो कि स्पेशल 2 इसको ना जाने दो क्योंकि ये स्पेशल 2 पे ब्लॉक पे भी बहुत ज़्यादा हिट फेंकती है और स्पेशल 1 डेक्स करना इजी है एज़ कम्पेयर टू स्पेशल 2। तो इसलिए कोशिश ये रहेगी कि बार बार इसको स्पेशल 1 पर ही ट्रिगर करूँ। देखो जैसे ही स्पेशल छोड़ा इसने 4 सेकंड के लिए इम्यूनिटी आ गई और यहाँ पे मैंने अपना स्पेशल छोड़ दिया है। दोनों को एनर्जाइज है, मतलब दोनों का पावर ऑफ बॉर बहुत जल्दी जल्दी बनेगा। ओके, यहाँ पे हमने यहाँ पे और इसको मारना शुरू कर दिया है। यहाँ पे स्पेशल 2 पे ट्रिगर होने वाला था लेकिन मैंने स्पेशल 1 ही फेंक दिया है। इसको और क्रिटिकल डैमेज देंगे ताकि और इजीली और हैवी डैमेज हम इसको प्रोवाइड कर पाए। ये हो गई फाइट खत्म, चलते हैं नेक्स्ट फाइट पे जल्दी से। ओके, तो गाइज ये फाइट है यहाँ पे गो शैडर के साथ में। अब मैं यहाँ पे हल्क का ट्राई करने वाला हूँ। देखो हल्क क्या कर सकता है वो देखने वाला हूँ मैं यहाँ पे। एंड सबसे पहले तो देखो स्पेशल 1 हम दोनों का बहुत जल्दी बन गया। यहाँ पे मैंने स्पेशल 1 ट्रिगर कर दिया है, स्टन लॉक लगा चुका हूँ मैं। अब यहाँ पे कोशिश ये रहेगी कि बार बार जल्दी से जल्दी मैं यहाँ पे रेज फॉर्म में आऊँ ताकि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज, ज़्यादा से लंबा स्टन इसको डाल पाए। यहाँ पे एक और स्टन डाल दिया लेकिन ये बहुत जल्दी ख़त्म होगा। ओके, यहाँ पे मैंने इसको स्पेशल 3 पर ट्रिगर किया। ठीक है, इस बात के लिए हल्क तो मेरे ख्याल से अच्छा काउंटर नहीं है, बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा अगर आप हल्क लेके आते हो तो। बाकी यहाँ पे मार तो लेंगे हम वैसे, लेकिन एक स्पेशल 3 खा लिया ना, वही बात हो गई। ठीक है, ये फाइट भी जल्दी ख़त्म हो गई, चलते हैं नेक्स्ट फाइट पे। तो गाइज ये फाइट है यहाँ पे वैल्करी के साथ में। मैं हरकुलिस लेके आया हूँ ताकि फाइट जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो, टाइम कंज्यूम जो है ना वो कम हो। देखो गाइज वीक 3 वीक 4 बहुत ज़्यादा इजी आया था इस बार साइड क्वेस्ट में एज कम्पेयर टू वीक 2। वीक 2 थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन वीक 3 वीक 4 तो इन्होंने मतलब बच्चे भी खेल सकते हैं इसको यार, आराम से बहुत इजी दे दिया था यहाँ पे इन्होंने वीक 3 और वीक 4। गाइज मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सेट लेवल 5 तो खेलो ही खेलो लेकिन साथ ही साथ सेट लेवल 4 भी खेलो क्योंकि इस बार वीक 4 में सेट लेवल 4 पे आपको 6 स्टार अवेकनिंग जैम मिल रहा है तो मेरे ख्याल से, और 5000 शार्ड मिल रहे हैं 6 स्टार के। और यहाँ पे शायद टायर 2
क्लास अलॉय भी मिलता है शायद 10%, तो वो भी बेटर रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ गाइज, यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि थ्रेट लेवल 4 भी खेलो। देखो गाइज, हमने यहाँ पे जैसे ही हमारा पावर बार बना था, हमने 8 सेकंड में अपना स्पेशल नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से हमें डैमेज मिल गया। अब चलते हैं बॉस पे। तो गाइज, मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे आप निमरॉड ले आओ, अगर निमरॉड नहीं है वॉरलॉक लेके आओ, नहीं तो ऐसा चैंपियन लेके आओ जो कि पॉइजन इम्यून है, क्योंकि जब भी वो आपको हिट करेगा आपको पॉइजन लगने के चांस है। तो ऐसा चैंपियन लेके आओ जो पॉइजन इम्यून है, और दूसरा चैंपियन ये लेके आओ जो कि इसका रीजनरेशन रोक पाए, या तो ज़्यादा ही हैवी डैमेज चैंपियन लेके आओ ताकि रीजनरेशन का फर्क ना पड़े आपको जब आप मार रहे हो उसको। देखो यहाँ पे मैं निमरॉड लेके आया हूँ, ब्लीड और पॉइजन इम्यून है, यहाँ पे मेरे को स्पेशल वन स्पैम इसलिए करना पड़ा ताकि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन हो जाए और हम इसको आराम से मार पाए। यहां पे अब हम इसको, जब ये अनब्लॉकेबल या अनस्टॉपेबल होता है, ये बहुत ज्यादा अपना एग्रेसिव बिहेवियर दिखाता है, जिसकी वजह से हम यहां पे स्पेशल 2 छोड़ेंगे और ये हो चुकी है गेम खत्म। सबसे बेस्ट काउंटर वॉल्वरिन वेपन एक्स का है निमरॉड। तो गाइज, ये हो गया पाथ 1 हमारा कंप्लीट, एंड इसके बाद में मैं चलने वाला हूँ डॉक्टर ऑक्टोपस वाले पाथ पे, जिसमें हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकल डैमेज देना है, तभी हम उसको एक्स्ट्रा डैमेज दे पाएंगे। तो हम आ गए हैं दूसरे पाथ पे, जिस पे डॉक्टर ऑक्टोपस की फाइट है सबसे पहले। तो देखो गाइज, हमें यहाँ पे क्रिटिकल डैमेज देना, और जब भी हम क्रिटिकल डैमेज देंगे उन्हें एक एक अनब्लॉकेबल चार्ज मिलता रहेगा, वो हमें हिट करे या ना करे, लेकिन जब भी वो हमें मारने आएंगे उनका अनब्लॉकेबल चार्ज जो है वो कंज्यूम होगा। और गाइज, अगर आप इंटरसेप्ट करते हो इनको तो आपको क्रिटिकल क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिकल पैसिव मिलेगा बफ, क्रिटिकल पैसिव बफ मिलेगा। देखो मैंने इंटरसेप्ट किया तो मेरे को क्रिटिकल पैसिव मिला, जिससे आप क्रिटिकल डैमेज एक्स्ट्रा डैमेज प्रोवाइड कर पाओगे। क्रिटिकल डैमेज से ही आप इसको डैमेज दे सकते हो, वरना ये 90% लेस डैमेज लेगा। तो आपको फ्यूरी मैटर नहीं करती यहाँ पे, सिर्फ क्रिटिकल हिट्स मैटर करते हैं। मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे हरकुलिस बहुत बढ़िया रहेगा, यहाँ पे कॉर्वस ग्लेव बहुत बढ़िया रहेगा, यहाँ पे हिट मॉन्की बहुत बढ़िया रहेगा, यहाँ पे शूरी बहुत बढ़िया रहेगी। तो गाइज, ऐसे चैंपियन लाओ जो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिकल डैमेज प्रोवाइड करते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमने इसको 50% पे पहुँचा दिया है, मेरा स्पेशल 1 का रोटेशन, स्पेशल 2 का रोटेशन इसने ख़राब कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हमने स्पेशल 1 ठोक दिया, अब हम क्रिटिकल डैमेज दे पाएंगे। देखो 3 क्रिटिकल हिट मारे मैंने इसको, जिसकी वजह से इसे 3 अनब्लॉकेबल चार्ज लग गए। अब यहाँ पे 2 आ गए हैं, कोई बात नहीं यार, मार पड़ी कोई बात नहीं, मैं पूरा पाथ कंप्लीट कर सकता हूँ आराम से, हरकुलिस यार हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। 3, 4, 5 हिट्स हम प्रोवाइड कर चुके हैं, देखो 5 अनब्लॉकेबल चार्ज आ गए। अब वो हमें मारे, उसका टच हो या ना हो, लेकिन जब भी वो हमें डैश फॉरवर्ड मारने आएगा उसका अनब्लॉकेबल चार्ज खत्म जरूर होगा, वेदर इट हिट्स और नॉट। ओके, नेक्स्ट फाइट जो है वो है लोकी के साथ में, हम यहाँ पे हल्क लेके जाते हैं, हल्क भी क्रिटिकल डैमेज प्रोवाइड करता है बीच बीच में, तो कोई बात नहीं हम हल्क भी ला सकते। देखो आप चैंपियन कोई भी ला सकते हो, बस आई डूम मत लाना, क्योंकि आई डूम जो है वो क्रिटिकल डैमेज प्रोवाइड नहीं करता है। गार्डियन भी आई थिंक क्रिटिकल डैमेज प्रोवाइड नहीं करता है, गुलटिन भी क्रिटिकल डैमेज 20 हिट्स के बाद प्रोवाइड 20 हिट पे प्रोवाइड करते, तो ऐसे चैंपियन मत लाना जो कि क्रिटिकल हिट डैमेज नहीं देते। बाकी आप देखो ज़्यादातर चैंपियंस है जो बीच बीच में हर 5 हिट के कॉम्बो में 1 या 2 क्रिटिकल डैमेज प्रोवाइड करते ही करते। तो आप कोई भी चैंपियन लाओ, लेकिन अगर ज़्यादा ही अच्छा लाना है, ज़्यादा जल्दी फाइट खत्म करनी है, तो आप शूरी को ला सकते हो, हरकुलिस को ला सकते हो, कॉर्वस ग्लेव को ला सकते हो, ऐसे चैंपियन जो क्रिटिकल डैमेज हिट मॉन्की ला सकते हो। तो गाइज यहाँ पे हमने इसको स्पेशल लॉक करके और ये फाइट बहुत ही जल्दी हमने हल्क से ख़त्म कर दी। चलते हैं नेक्स्ट फाइट पे। तो ये फाइट है शी हल्क के साथ में, हल्क की बहन के साथ में। अब देखते हैं हल्क की बहन को हम कितने जल्दी मार सकते हैं यहाँ पे। ओके, फिलहाल जब भी हम, और हाँ एक और चीज़, जब भी हम इनका हैवी को इंटरप्ट करेंगे ना, तो इनके ऊपर 7 क्रुएलिटी बफ, पैसिव बफ लगे, वो एक क्रुएलिटी हम अपने ऊपर ट्रांसफ़र कर पाएंगे। बाकी कोई बात नहीं है, आराम से हम इसको आराम से लपेट पाएंगे। यहाँ पे स्पेशल लॉक लगा दिया हमने यहाँ पे, अब जाके हम पूरा 5 फीट का कॉम्बो मारने वाले हैं। एक और मैं सोच रहा हूँ 5 फीट का कॉम्बो लगा लेता हूँ, ताकि यहाँ पे एक और स्पेशल वन ट्रिगर कर पाऊँ, और मेरे ख्याल से मेरा रेज भी आने वाला है, तो हम आराम से एक और स्पेशल वन फेंक सकते हैं। यहाँ पे मैंने रैलिक भी छोड़ दिया, यहाँ पे 5 फीट का कॉम्बो भी फिर से वापस छोड़ूंगा और स्पेशल वन भी साथ में मारूंगा। ये हमारा स्पेशल वन, स्पेशल लॉक लग चुका है, यहाँ पे फिर से 5 फीट का कॉम्बो, बीच में कोई ना कोई क्रिटिकल हिट ज़रूर आएगा। अब चलते हैं बॉस पे। ओके, तो गाइज यहाँ पे फाइट है वेपन एक्स के साथ, दूसरा पाथ है, दूसरी बार हम बॉस से लड़ने जा रहे हैं। तो गाइज मैं रिकमेंड करूँगा, देखो इस क्वेस्ट में अगर आपको लाने हैं चैंपियंस, क्लैरिटी और हाउस ऑफ मिरर वाले चैंपियन लाओ, ताकि आपका जो सोलो इवेंट आया ना वो भी कंप्लीट हो जाए, वरना सोलो इवेंट कैसे भी कंप्लीट हो जाएगा, आप कोई ना कोई फाइट तो खेलोगे ही,
अरीना में खेलोगे, इवेंट क्वेस्ट में खेलोगे, बुक में खेलोगे, जहां भी खेलोगे आप कोई ना कोई क्लैरिटी हाउस ऑफ मिरर तो चैंपियन यूज करोगे ही, तो वहां पे भी खत्म हो जाएगा। अगर आपको जल्दी खत्म करना है तो आप इसमें ले आओ स्पेशल, थ्रेट लेवल 1 पे खेल लो, थ्रेट लेवल 2 पे खेलो, तो फर्क नहीं पड़ता इससे। यहां पे हमने स्पेशल 2 दे दिया है गाइज, ये भी मरने वाला है। तो गाइज अगर किसी को कोई भी कंप्लीशन करवाना है आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इवेंट क्वेस्ट करवाना है आपको, एक्ट कंप्लीट करवाना है आपको, अरीना कंप्लीट करवाना, ग्रिंड करवाना है, बैटल ग्राउंड में पुश करना है टायर, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जल्दी से हम चलते हैं थर्ड पाथ पे। थर्ड पाथ पे क्या है कि जब भी अगर डिफेंडर की कोई भी इम्यूनिटी आपने ट्रिगर की तो उसे 33% बार ऑफ पावर मिल जाएगा। मतलब ये है कि सबसे पहले अगर आपको इसको स्टन करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको इसको नॉकआउट करना पड़ेगा ताकि इम्यूनिटी हट जाए इसको। और यहाँ पे मैं एडम वॉरलॉक ट्राई करने जा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे 5 फीट का कॉम्बो तो मैंने प्रोवाइड कर ही दिया है इसको, एंड यहाँ पे बेसिक हिट से भी मार सकते हो आप इसको आराम से। हम ओह शिट, मैंने थोड़ी गलती कर दी गाइस। अच्छा हाँ, मैं भूल ही गया था कि अगर आप इसके ब्लॉक पे भी हिट करोगे ना तो भी अनस्टॉपेबल बनेगा। ओके, मुझे लगा था ठीक है, मैं गलती कर गया यहाँ पे। इसका मतलब यह है कि हम अनब्लॉकेबल यहाँ पे हो नहीं सकते हैं। बाकी कोई बात नहीं है यार, देखते हैं थोड़ा संभल के खेलते हैं। मुझे लगता है मैं स्पेशल 3 पे पुश कर चुका हूँ उसको। ओके, अरे नहीं, फिर से मैं अनस्टॉपेबल में घुस गया उसके यार, ब्लॉक में घुस गया। ठीक है कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से एडम वॉरलॉक जो है ना वो हो जाएगा नॉकआउट, इसके बाद हमें दूसरा चैंपियन लेना होगा। ओके गाइज, देखो यहाँ पे मैं हरकुलिस लेके आया हूँ। तो गाइज हाँ, मैं बोल रहा था जिसको कोई भी कंप्लीशन करवाना हो, एक्ट, इवेंट क्वेस्ट, वॉर को छोड़ के बैटल ग्राउंड पुश करवाना है, स्प्रिंग ऑफ सोरो कंप्लीट करवाना है, आप लोग मुझे अगर कोई स्पेशल क्वेस्ट कंप्लीट करवाना है, वेरिएंट कंप्लीट करवाना है, इटर्निटी ऑफ पेन आ गया या एबिस आ गया या नेक्रो हो गया, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जिसको भी कंप्लीट करवाना आप लोग कॉन्टैक्ट कर लो मुझे। ठीक है, यहाँ पे अब देखो बेसिक हिट से भी हम यहाँ पे मार सकते हैं, और यहाँ पे हमने रेड गॉब्लिन को मार लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट फाइट पे। ओके तो गाइज ये फाइट है कुशाला के साथ में, यहाँ पे मैं हल्क लेके आया हूँ, लेट्स ट्राई विद हल्क। हमें सबसे पहले, हमारा मेन मकसद ये रहता है फाइट में कि हमें इस पाथ पे सबसे पहले नॉकआउट करना है डिफेंडर को। अगर हमने नॉकआउट नहीं किया ना ही हम इसको स्टन कर पाएंगे ना ही कोई डिबफ लगा पाएंगे, तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप लोग इसको सबसे पहले स्टन करो, नॉकआउट करो। यहाँ पे हमने नॉकआउट तो कर दिया, इसकी इम्यूनिटी डाउन हो चुकी है 6 सेकंड। अरे नहीं यार, इसको स्पेशल 3 पे पुश कर दिया मैंने, आई थिंक मेरे ख्याल से जो हल्क है ना वो भी नॉकआउट होने वाला है। कोई बात नहीं यार, दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है, कोई बात नहीं। अब मेरे को लगता है सबसे मैं वॉरलॉक लेके आता हूँ, वॉरलॉक से ट्राई करते हैं। ओके तो गाइज मेरा वॉरलॉक जो है 6 स्टार रैंक 4 पे है, मैं इसको रैंक 5 पे इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि 7 स्टार में अवेलेबल है, मैं 7 स्टार का वेट कर रहा हूँ, 7 स्टार में मिलेगा तो रैंक 2 पे डालेंगे इसको हम। बाकी अब मैं वॉरलॉक से खेलता हूँ इसे, आप दिखाता हूँ मैं वॉरलॉक क्या कर सकता है इसको, एंड जल्दी से जल्दी लपेटते हैं इसको। और शायद मेरे ख्याल से आई डोंट नो कुशाला ब्लीड इम्यून है क्या, क्योंकि मैं हैवी से अगर ब्लीड मारूंगा इसको तो ब्लीड लगेगा या इम्यूनिटी से इसको पावर गेन मिलेगा, देखते हैं। चलो एक बार ट्राई करना ज़रूर चाहिए मुझे, क्या ये इम्यूनिटी है इसको ब्लीड से। ओके यहाँ पे मैंने है, ओके ये ब्लीड इम्यून चैम्प है। ओके फाइन, कोई बात नहीं, हाँ ये ब्लीड इम्यून चैम्प है, तो मेरे को लगता है इसको ब्लीड असर नहीं करेगा, उल्टा इम्यूनिटी जब भी ट्रिगर करेंगे तो 12 पावर मिलेगा इसे। बाकी देखते हैं, यहाँ पे स्पेशल 3 मैंने छोड़ दिया है, एंड 31% से 24% पे आ चुकी है, एंड हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस बेसिक हिट से हम इसे मारते रहेंगे। एक और 5 फीट का कॉम्बो हम यहाँ पे लगा सकते हैं आराम से, 2% रह गई है एंड गेम ओवर इसका भी। चलते हैं नेक्स्ट फाइट पे जो कि रॉक के साथ है। ओके तो गाइज ये फाइट है रॉक के साथ में, एंड यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमें ये करनी है कि हमें इसे नॉकआउट करना है। नॉकआउट किसी से भी कर सकते हो, स्पेशल मार के भी कर सकते हो, हैवी मार के भी कर सकते हो, रैलिक मार के भी कर सकते हो, बस सबसे पहली कोशिश ये रहेगी कि हैवी मारना है। ओहो मिस हो गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, रॉक का एक और चीज़ है कि ये डीबफ्स को ना बहुत जल्दी हटाती है अपने ऊपर से। बाकी देखते हैं, स्पेशल 2 पे मैंने इसको ट्रिगर कर दिया है, यहाँ पे मेरा स्पेशल 2 भी रेडी हो चुका है, यहाँ पे रैलिक छोड़ दिया, मैं 5 फीट का कॉम्बो फिर से मारने वाला हूँ उसके बाद में। अबे यार ये भी हैवी मारती, ब्लीड इम्यून है क्या, पता नहीं था मेरे को यार। ओके कोई बात नहीं, फिलहाल ये 37 पे पहुंच चुकी है, हम इसको पैरी तो कर पाएंगे आराम से। ये किया हमने यहाँ पे इसको पैरी, ये दिया 5 फीट कॉम्बो अगेन, मैं चाहता हूँ ये अपने स्पेशल ट्रिगर करे बट नहीं कर रही है। बाकी कोई नहीं, अगर हम इसके ब्लॉक पे जाएंगे तो ये अनस्टॉपेबल हो जाएगी, इसलिए मैं इसके ब्लॉक पे हिट नहीं कर रहा हूँ, वरना दिक्कत हो जाएगी, जो रेड गॉब्लिन के साथ हुआ वो हमको इसमें भी हो जाएगा। बाकी
यहाँ पे रैलिक छोड़ दिया मैंने, यहाँ पे एक और 10% रहती है, 5 फिट का कॉम्बो छोड़ दिया और गेम ओवर। अब जो है वो है हमारी लास्ट पाथ की फिर से तीसरी बार बॉस फाइट, जल्दी से इसे निपटाते और 100% कंप्लीट करते। ओके तो गाइस ये फाइट है रतन के, रतन हिक्स के साथ में तीसरी बार, और यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से इसको मार पाऊँ। सेकेंड पार्ट में थोड़ा बहुत इसको मारा पर कोई दिक्कत नहीं, हम सब हो चुका है और ये ब्लॉकिंग कर चुके हैं, इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव खेलेगा, हम इसको आराम से इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं। बाकी स्पेशल टू पे मैं ट्रिगर होने वाला हूँ, ये मैंने उसका चेकिंग कर दिया है, 71% से हमने इसको पहुँचा दिया है, कितने में पहुँचे भाई 31 से लगभग 40% की हाइट यहाँ पे हमने इसकी कंज्यूम कर ली है। अब यहाँ पे एक होता स्पेशल टू पे जाना है जल्दी जल्दी, बाकी उसको आराम से खेलना है। ओके अनुष्के में रीजनरेशन कंट्रोल कर पा रहा हूँ, 9% हेल्थ रह गई है यहाँ पे, एंड लगभग लगभग जो है ना इसकी गेम ओवर हो चुकी है, चलते हैं इस वैसे की तैसी। 100% रह गए, हमने बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको तीसरी बार मारा। इसी के साथ में सेक्टर 5 कंप्लीट होता है, मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को सेक्टर 4 भी खेलो। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगा गाइस ये वाली, और आपने लाइक कमेंट जरूर करना है क्योंकि आपके भाई को इसी से सपोर्ट मिलेगा, इसी से आपके भाई को मिलेगा। बाकी मिलता हूँ जल्दी सेक्टर में वीडियो में देखने के लिए, शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए, शुक्रिया। तो तब तक बाय बाय।